दोस्तों नमस्कार, अपना वीडियो पार्क में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो पत्रकारिता के उज्जवल इतिहास का गवाह है। एक ऐसा प्रश्न हम आपके सामने इतिहास का रख रहे हैं जो बताता है कि कैसे पत्रकारिता ने एक बड़े आंदोलन को आवाज़ दी, उसे दिशा दी और उसे सफल बनाया। तो हम बात कर रहे हैं रतौना आंदोलन की। रतौना आंदोलन को इस वर्ष 100 वर्ष हो गए हैं। ये रतौना आंदोलन था क्या? रतौना एक जगह है, मध्य प्रदेश का सागर जिला है, उसके समीप में रतौना करके एक स्थान है। तो 1920 में अंग्रेजों ने मध्य भारत प्रांत में रतौना में एक कसाई खाना, गौ कत्ल खाना खोलने की योजना बनाई। बहुत बड़ा गौ कत्ल खाना खोलने की योजना थी। उसमें सिर्फ गौ वंश को काटा जाना था। उसमें लगभग हर माह 1.5 लाख गौ वंश, 2.5 लाख गौ वंश की हत्या की जानी थी और उसका जो मांस था उसे वो विदेश निर्यात करने वाले थे, यूरोप में निर्यात करने वाले थे। यूरोप में गौ मांस की बड़ी मांग उन दिनों रहती थी। इसके लिए उन्होंने 150 एकड़ जमीन में उस प्लांट को लगाना शुरू कर दिया। वहाँ एक तालाब बनवाया जो जिसमें पानी का भरना था और उससे मांस को धोने का काम करना था। मांस को लाने ले जाने के लिए वहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई। इस बात से आप समझिए कि वो गौ वंश की हत्या का वह कितना बड़ा जो है योजना ब्रिटिश सरकार की थी। और ब्रिटिश सरकार इस योजना से एक काम और करना चाहती थी। वो ये काम करना चाहती थी कि हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्य उत्पन्न हो, उनके बीच में द्वेष उत्पन्न हो और उनके बीच में खाई उत्पन्न हो जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गौ जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच सदैव से एक संदेह और विवाद का कारण रही है। तो उसको आधार बना करके अंग्रेज ये करना चाहते थे। अंग्रेजों ने इस कत्ल खाने की योजना बनाते समय स्पष्ट किया था, वो विज्ञापन छापा था, उस विज्ञापन में स्पष्ट लिखा था कि इस कत्ल खाने में सुअर नहीं काटे जाएंगे, इस कत्ल खाने में सिर्फ गौवंश काटा जाएगा, गाय, बछड़े और बैल, नंदी, ये सब काटे जाएंगे। अब इस योजना के विरुद्ध पत्रकारिता ने कैसे एक आंदोलन चलाया उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, उसकी कहानी शुरू करता हूं। स्वतंत्रता आंदोलन के महापुरुष, महानायक माखनलाल चतुर्वेदी, वे साहित्यकार थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, साथ में वे महाकवि भी थे, क्रांतिकारी कवि थे, क्रांतिकारी कर्म से भी जुड़े रहे। वे पत्रकार भी थे, साहित्यकार के साथ साथ एक तेजस्वी पत्रकार थे। उनका समाचार पत्र करमवीर विख्यात था अपनी पत्रकारिता के लिए, अपनी पत्रकारिता की शैली के लिए। तो दादा माखनलाल खंडवा से मुंबई जा रहे थे ट्रेन से। उन्होंने ट्रेन में हितवाद समाचार पत्र में वह विज्ञापन पढ़ा। 3 या 4 पेज का वह विज्ञापन था जिसमें इस कत्ल खाने की पूरी योजना दी हुई थी। दादा माखनलाल ने जैसे ही वो विज्ञापन पढ़ा, दादा माखनलाल की आत्मा, वे एक भारतीय आत्मा के नाम से भी पहचाने जाते हैं, वे अपने कई लेख समाचार एक भारतीय आत्मा के नाम से लिखते थे। तो भारतीय आत्मा तड़प उठी जब उन्होंने पढ़ा कि कितने बड़े पैमाने पर गौ हत्या की जानी है और भारत के लिए गाय का क्या महत्व है। एक भारत की आत्मा ही इस बात को समझ सकती है, उसको पता है कि गाय इस देश की, इस भारत की, इस संस्कृति की, इस जीवन की धुरी है। तो गाय को बचाने के लिए, गाय के संरक्षण के लिए दादा माखनलाल अपनी यात्रा बीच में छोड़ करके वापस खंडवा आते हैं और करमवीर में एक ओजस्वी, भावपूर्ण जो है एक लेख लिखते हैं और बताते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने कत्ल खाने की योजना बनाई है। कितनी सुखद बात है कि इस आंदोलन को सिर्फ दादा माखनलाल नहीं लड़ रहे थे बल्कि 2 मुस्लिम पत्रकार भी इस आंदोलन को हवा दे रहे थे, इस आंदोलन की लड़ाई में अग्रणी थे। सागर के नौजवान भाई अब्दुल गनी, वे पत्रकार भी थे और एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने इस कत्ल खाने के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अपने एक्टिविज्म के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे, गौ संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे थे, गौ हत्या बंद करने की अपील कर रहे थे। जबलपुर के एक पत्रकार थे मिस्टर ताजुद्दीन,
उनका समाचार पत्र था दैनिक ताज, उर्दू का समाचार पत्र था। उन्होंने इस कत्ल खाने के विरोध में अपने समाचार पत्र में लेखन प्रारंभ किया, जिसकी कीमत उन्होंने जेल की यातनाएं भोग कर चुकाई। और दादा माखनलाल को ने भी उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के पोषण के लिए अपने समाचार पत्र में एक अपील प्रकाशित की कि गौ भक्त ताजुद्दीन जो है जेल में है, उसके परिवार की चिंता हमको करनी चाहिए। तो ऐसे दादा माखनलाल ने जब इस विषय को अपने हाथ में लिया और करम्बी समाचार पत्र के माध्यम से इस विषय को उठाया, तो एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया। अलग अलग जगह से इस महाकत्ल खाने के विरोध में सभाएं होने लगी, अलग अलग समाचार पत्र भी इस मुहिम में लग गए। लाला लाजपत राय का समाचार पत्र वंदे मातरम, जो लाहौर से प्रकाशित होता था, उसने सैकड़ों अनेकों एक के बाद एक तेजस्वी आलेख समाचार अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किए। लखनऊ से प्रकाशित होने वाले स्वदेश और दूसरे समाचार पत्र, उन सब ने इस अपने यहाँ होने वाली रतौना आंदोलन की सभाओं को स्थान देना प्रारंभ किया। जबलपुर में, ग्वालियर में, भोपाल में, सागर में, लाहौर में, कानपुर में, अलग अलग जगह मध्य भारत के अलग अलग प्रांतों में, नागपुर में, अलग अलग जगह सभाएं होने लगी। दादा माखनलाल जी इन सभाओं में जाकर के भाषण करने लगे। कई और बड़े नेताओं ने भाषण किए अंग्रेजों की इस मुहिम के, इस अंग्रेजों के षड्यंत्र के खिलाफ। और यही नहीं, रंगून तक में सभाएं हुई। दादा माखनलाल ने जब इस बात को उठाया तो रंगून तक में सभाएं हुई और अंततोगत्वा डेवनपोर्ट कंपनी को अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा। अमेरिकी कंपनी को सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने यह ठेका दिया था कत्ल खाने का। और अंत में क्या हुआ कि पत्रकारिता की जीत होती है। आज पत्रकारिता के सामने गौ कसी का प्रश्न आता है तो पत्रकारिता दो विवाद खड़ा करती है। वह गाय के साथ नहीं खड़ी होती, वह गौ संरक्षण की बात नहीं करती, बल्कि वह प्रश्न पूछती है गाय के कत्ल से इतनी पीड़ा क्यों। और एक तरफ देखिए कि दादा माखनलाल की पत्रकारिता गाय के प्रश्न को किस तरह देखती है। तो मैंने कहा ना कि गाय इस देश की संस्कृति की ही नहीं, जीवन की भी धुरी है, और उसको कोई और नहीं समझ सकता, उसको भारतीय आत्मा ही समझ सकती है। उस भारतीय आत्मा ने इस विषय को समझा और इस विषय पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि पहली बार मध्य भारत में ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े, सरकार को अपनी गलती माननी पड़ी और सरकार ने यह निर्णय वापस लिया। इतना ही नहीं, इस आंदोलन का असर यह हुआ, दादा माखनलाल ने जो समाज जागरण किया उसका असर यह हुआ कि सागर, भोपाल में पहले से संचालित अनेक कत्लखाने बंद हो गए, स्वतः बंद हो गए। गौ संरक्षण की ऐसी अलग जगह कि मुस्लिम समाज जहां पर भी गौ कसी का प्रयास किया जाता था उसका विरोध करने स्वतः आगे आता था। एक घटना है, एक मुस्लिम गौ हत्या करने जा रहा था, आप सोचिए उसको रोकने के लिए मुस्लिम समाज ही आगे आया और उस समाज ने उस गाय को सजा करके, तिलक बंधन करके, उसको हार पहना करके हिंदू समाज को सौंपा। कई मुस्लिमों ने भी अपने कत्ल खाने बंद कर दिए। तो जब अच्छी नीयत के साथ कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति गौ संरक्षण की बात करता है तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है। तो ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन इस 2020 में इस आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों को इस आंदोलन के बारे में पता नहीं है, तो इस आंदोलन के बारे में अलग जगानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कैसे हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर गाय संरक्षण के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। ये सबको बताने की आवश्यकता है, आज के समाज को बताने की आवश्यकता है। गौ सिर्फ हिंदुओं का विषय नहीं है, गौ भारत का विषय है। और जब भारत का विषय होता है तो दोनों समाज आगे आकर के एकता के साथ उस विषय के साथ जुड़ते हैं। और यही रतौना आंदोलन की सीख है, यही रतौना आंदोलन ने सिद्ध करके दिया। और वो आंदोलन आज प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे को मार्ग दिखा सकता है कि गाय का जब प्रश्न आए तो वह सिर्फ हिंदू का प्रश्न नहीं, वह भारत का प्रश्न है। और गौ संरक्षण सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, सबको मिलकर के गौ संरक्षण करना चाहिए।
जय हिंद जय भारत किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपसे आग्रह है कि इस स्वर्णिम पृष्ठ को सबके सामने रखिए, सबको इसको बताइए। साथ में अभी तक आपने अगर अपना वीडियो पार्क सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो और भी आपको सबसे पहले मिल सकें। नमस्कार, जय हिंद।